हेलो स्टूडेंट्स ओ टू एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आपके एग्जाम को टारगेट करने के लिए हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसके अंदर हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं उसको हम एम के द्वारा यहाँ पर रिवाइज़ करते हैं तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो आप हमारी ओ टू एस की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको ये पी मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से जो कि रिलेटेड है ग्रीन स्टील से तो यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है अगर मैं ग्रीन स्टील के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ऐसे मेथड्स को यूज़ किया जाएगा जिसके अंदर जो कार्बन एमिशन है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के जिस टाइम पे स्टील मैन्युफैक्चर होती है उस टाइम पे जो कार्बन एमिशन है वो कम से कम हो सके तो दैट मींस यहाँ पे हम जो स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं और इसके अंदर जो कार्बन एमिशन्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं इट इवेंचुअली लोअर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट्स कॉस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ स्टील इससे जो एमिशन वगैरह होती हैं बहुत कम होती हैं क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है स्टील की और इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान रहता है तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है पिछले साल यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था तो इसके अंदर भी हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात करते हैं अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को बनाया जाता है और अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन के एमिशन है वो कम से कम होते हैं तो दैट मीन्स ये एक सस्टेनेबल मेथड है हाइड्रोजन बनाने का तो आपका लास्ट जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड है डिजिटल सर्विसेज एक्ट से तो जैसा कि आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विसेज ऐप है इस इस एक्ट के द्वारा यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं जो कि डिजिटल स्पेस को यूज कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर कॉमन रूल्स हैं ऑन इंटरमीडियरी ऑब्लीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द सिंगल मार्केट तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं ताकि डिजिटल स्पेस को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए ही. तो हायर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन के यूजर्स की एंड ऑफ देयर कंट्री तो जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उन सबकी प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट के अंदर गाइडलाइंस को एड किया गया है तो दैट मीन आपका जो आंसर बनेगा

तो आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान वाले एरिया में वाइट फ्लाई का अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है कॉटन क्रॉप्स के ऊपर तो उसके रिगार्डिंग आपको यहां पे दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो अगर मैं वाइट फ्लाई के बारे में बात करूं तो जो लीव्स होते हैं उसके नीचे जाके वाइट फ्लाई रिजाइड करने लग जाती है और अल्टीमेटली कुछ सबस्टांसिस प्रोड्यूस करती है ताकि वहां पर फंगस ग्रो कर सके और जो भी लीव्स होते हैं उनकी कर्लिंग भी कर देती है तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट ये सीरियस पेस्ट है कॉटन का जो कि लोअर करता है ईल्ड बाय फीडिंग ऑन अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड स्प्रेडिंग डिजीजेस लाइक कॉटन लीफ कर्ल वायरस तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीफ के नीचे जो है ये व्हाइट फ्लाइज रिजाइड करने लग जाती है और अल्टीमेटली सब रिलीज करती हैं ताकि यहां पे फंगस और जो वायरसेस हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बन सके रहने के लिए और अल्टीमेटली जो क्रॉप की ईल्ड है उसको डिक्रीज कर देती है ये व्हाइट फ्लाइज जो है वो सबसे पहले यहां पर नहीं पाई जाती थी वो कैरेबियन आइलैंड्स और जो सेंट्रल अमेरिका है वहां पे देखने को मिलती थी तो दैट मीन्स आपके यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है थामी रवानी रिवर तो जो थामी रवानी रिवर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के जो केसेस हैं या फिर न्यूज़ है वो सामने दिख रही है तो अगर मैं इस रिवर के बारे में बात करूं तमिलनाडु की ओनली पेरिनियल रिवर है दैट मींस इट फ्लोस थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द ईयर इस रिवर के अंदर पानी रहता है सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो रिवर है इसके आसपास आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो देखने को मिलती है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखा हुआ है तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी वो भी करेक्ट हो जाएगी अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो इस रिवर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इवन इसको संगम एरा लिटरेचर के अंदर भी मैंशन किया गया है तो और ये ऐसी रिवर है जो कि थ्रू आउट तमिलनाडु के अंदर ही फ्लो होती है और अल्टीमेटली जो आपका आपका गल्फ ऑफ मन्नार है वे ऑफ बंगाल वाला उसके अंदर जाकर ड्रेन हो जाती है तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा uh, यहां पर आपकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन लाई करती है और इसको एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है दैट इज अ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन सिक्सटी तो दैट मीन आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन को नाइनटीन फोर्टी टू में बनाया गया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों में रिसर्च करने वाली हैं और इसकी आपको देख, देखने को मिलेगा कि ऑल ओवर इंडिया 37 सेवन लैब्ब हैं जिसमें से आपको अलग अलग लैब्स देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन जीनोमिक्स हो गया बायोटेक्नोलॉजी हो गया नैनो टेक्नोलॉजी हो गया माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया तो इन सब के रिगार्डिंग इनकी जो लैब्स हैं वो अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं ऑल ओवर दी इंडिया तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पी पोषण स्कीम तो अगर मैं पीएम पोषण स्कीम के बारे में बात करूं तो आपकी जो मिड डे मील स्कीम है जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बेसिकली उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था उसको रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया और ये जो मिड डे मील स्कीम है इसको पिछले साल ही ट्वेंटी के अंदर दोबारा से रीनेम कर दिया गया है दैट इज़ पी पोषण स्कीम जिसको हम पी पोषण शक्ति निर्माण के नाम से भी जानते हैं तो ये बेसिकली आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दैट मीन इस स्कीम के लिए जो फंडिंग है वो स्टेट भी प्रोवाइड करता है और सेंटर भी प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन उनकी कितनी रेशो है इसके अलावा ये मील प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये कौन कौन से स्टूडेंट्स को कवर करता है तो एक तो आपके छः साल से ले कर चौदह साल के जो बच्चे हैं जो कि एक से ले कर एट्थ क्लास तक के बीच में पढ़ रहे हैं तो एक तो उनको कवर करता है इसके अलावा बाल वाटिकास को भी कवर करता है जो कि तीन से पाँच साल के बच एज ग्रुप में लाई करते हैं तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर इसमें से कौन कौन से मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज लाई करते हैं जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में लाई करता है वैली ऑफ नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तराखंड में लाई करता है और आपको देखने को मिलेगा कि नंदा देवी और जो वैली ऑफ फ्लार्स नेशनल पार्क है ये दोनों कंबाइन करके आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है राजाजी नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेगा गोविंद नेशनल पार्क हो गया गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया तो ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी तो दैट मीन्स आपकी सारी के सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट हम बात करते हैं डोराख टेक्निक के बारे में तो ये जो टेक्निक है बेसिकली 1969 में इसको डेवलप किया गया था और इस टेक्निक के अंदर क्लाउड के जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है रेकग्नाइज किया जाता है ताकि यहाँ पे जो वेदर का फिनोमिना है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके अब वेदर के अंदर भी स्पेशली जो साइक्लोन्स हो गया टाइफोन्स हो गया हरिकेन्स हो गया उन सबको को यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाउड्स का क्या पैटर्न है अब क्लाउड्स का पैटर्न देखने के लिए इमेजेस भी तो कहीं ना कहीं से आएंगी तो यहाँ पे जो पोलर सैटेलाइट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है दिन में तो विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है क्लाउड के पैटर्न्स की इमेज